सॉल्यूशन में राउट्स लॉ के स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो जो हमने सॉल्यूट ऐड किया वाटर में, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली डिक्रीज होते गया, डिक्रीज। जितना ज्यादा हम लोग सॉल्यूट ऐड कर रहे थे उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। और जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूट का बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आता है। तो यही जनरल स्टेटमेंट है कि एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट रिजल्ट्स आर डिक्रीज इन इट्स वेपर प्रेशर। यहाँ पर पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, पी एस हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बाद में सॉल्यूट मिलाने के बाद में हो गया, और जितना घटा जितना कमी आई उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।